जमीन पर अपनी हैसियत दिखा चुका भारत अब अंतरिक्ष में खुद को और मजबूत कर रहा है। जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, भारत अंतरिक्ष का बादशाह बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारत के ऐसे ही कुछ कारनामों पर चलिए डालते हैं नजर। मानव मिशन 2022। मानव मिशन 2022 के तहत भारत अंतरिक्ष में दो मानव रहित यानों के साथ साथ एक ऐसा यान भेजने जा रहा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। ये कारनामा अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए हैं। इस योजना के लिए मोदी सरकार 10,000 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दे चुकी है। इससे देश के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में एक नया आयाम खुलेगा। स्पेस स्टेशन। इसरो ऐलान कर चुका है कि जल्द ही वो अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ ही भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार करेगा। भारत एक बेहद ही कॉम्पैक्ट लगभग 20 टन के वजन का स्पेस स्टेशन बनाएगा, जिसका इस्तेमाल माइक्रोग्रेविटी प्रयोग के लिए किया जाएगा। 2022 में गगनयान मिशन पूरा होगा और इसके बाद स्पेस स्टेशन पर काम तेज हो जाएगा। चंद्रयान 2। इसी 15 जुलाई को भारत अपना चंद्रयान 2 लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 2 मून की सतह पर उतरेगा। ये यहां पर पानी और खनिज पदार्थों का पता लगाएगा। ये 6 या फिर 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। इस मिशन पर सिर्फ 603 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे हैं। सूर्य और शुक्र अभियान। चंद्रयान 2 के बाद भारत भीमयान की तैयारी करने जा रहा है। ये मिशन सूर्य को लेकर होगा। 2020 के पहले हाफ में आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 उपग्रह है जो सोलर कोरोनाग्राफ यंत्र के जरिए सूर्य के सबसे भारी भाग का अध्ययन करेगा। इसके अलावा शुक्र के लिए भी एक अंतरग्रहीय अभियान को अगले 2-3 सालों में लॉन्च किया जाएगा। मिशन शक्ति। अपने मिशन शक्ति अभियान से भारत पहले ही दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा करा चुका है। मार्च 2019 में एंटी मिसाइल से महज 3 मिनट में ही भारत ने एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था। ये उपलब्धि भी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही हासिल कर पाए हैं। इस मिशन से भारत ने भविष्य के स्पेस वॉर के खतरे को लेकर अपनी तैयारी का नजारा पेश किया था। ये है नया भारत जो अंतरिक्ष में भी दिखा रहा है अपनी ताकत।